रतिया रोड स्थित गुरु रविदास धर्मशाला परिसर में SC ST एक्ट के तहत समाज की विशेष मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर संवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ 2 अप्रैल को भारत बंद के लिए सर्व अनुसूचित जनजाति के संगठनों की बैठक हुई, जिसमें सभी संगठनों ने सरकार के शय पर अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर हुए कुठारघात पर रोष प्रकट किया और मनुवादी तानाशाही दलित विरोधी सरकार के रवैये पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए फैसला लिया कि 2 अप्रैल को भारत बंद में अनुसूचित जनजाति समाज चौहाना को भी बंद रखेगा और सरकार ने अगर तुरंत प्रभाव से अनुसूचित जनजाति समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाया तो पूरे देश में अनुसूचित जनजाति कठोर फैसला लेते हुए बड़े आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हमारे सभी आल SC कर्मचारी संघ के साथियों की बैठक आज टुहाना में गुरु रविदास भवन में मीटिंग हुई। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जो सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से SC ST एक्ट के साथ संशोधन किया है वो बहुत ही गलत है। जो हमारे हकों की लड़ाई लड़ता था वो गलत किया सरकार ने, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम 2 अप्रैल को पूरी तरह से टुहाना को बंद करने का आह्वान किया, हमने हड़ताल का प्रावधान किया, जुलूस निकालेंगे और अंबेडकर चौक से होते हुए सारे बाजार में बाजार बंद का आह्वान करेंगे और अनुशासन तरीके से सहनशीलता से बाजार में बंद करवाने की कोशिश करेंगे साथियों को। और अंबेडकर चौक से और जो हमारा वाल्मीकि चौक है वहाँ पर हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे। इंडिया एक्सप्रेस के लिए टुहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।